हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज क्लास टेंथ साइंस एक्टिविटी 2.8। इस एक्टिविटी में ये शो करना है कि किस सोलूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है और किस सोलूशन में कंडक्ट नहीं करती है। तो कुछ एसिड और कुछ बेस लिए गए हैं। ये सोलूशन है, यहाँ पर रखा गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये ग्लूकोज है, और इसमें रखा गया है एथिल अल्कोहल, ये NaOH है। अब इसे एक बीकर में ले लेंगे और इसकी सर्किट कंप्लीट कर लेंगे। एक 6 वोल्ट की सप्लाई देंगे, 6 से 3 वोल्ट के बीच की सप्लाई होनी चाहिए, और इसमें एक बल्ब जोड़ देंगे और एक कार्क ले करके और उसमें लोहे की दो कील लगा करके और एक टर्मिनल से इसको कनेक्ट कर देंगे। अब कनेक्ट करने के बाद अब सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं एथिल अल्कोहल, और इस एथिल अल्कोहल में हम जो है इस कार्क को जो है जो कील लगा हुआ है इस कार्क को इसमें ये डाल दिया। अब इसको जब इसमें हमने डाल दिया तो अब ये देखेंगे कि ऑन करने के बाद इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये देखिए, ये बल्ब जो है ग्लो नहीं कर रहा है। ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि यह सर्किट कंप्लीट नहीं कर रहा है। और जब ये सर्किट कंप्लीट नहीं कर रहा है मींस इसमें जो ट्रांसफर ऑफ आयंस हैं वो ट्रांसफर ऑफ आयंस नहीं हो रहे। ये ग्लूकोज का सोल्यूशन है, और इस ग्लूकोज के सोल्यूशन में जब इसे इमर्ज किया गया यानी डिप किया गया, ये देखिए कि इसमें करंट फ्लो हो रही है, इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है। अब जो है इसे निकाल करके और हम जो है रख लेते हैं एसिड वाले सोल्यूशन। तो चलिए, ये एसिड वाला सोल्यूशन है, देखिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बल्ब की ग्लोनेस जो है, बल्ब की ग्लोनेस ये बढ़ गई। इसी तरह से जो है अगर हम इसे सल्फ्यूरिक एसिड वाले सोल्यूशन में अगर रख देते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड वाले सोल्यूशन में भी ये ग्लो कर जाता है। इसमें जो है H2SO4 ये कुछ डाल देते हैं, कुछ क्या H2SO4 में ही डालना है, लेकिन इसका सोल्यूशन जब बन जाएगा तो ये देखेंगे कि इसमें जैसे जैसे जो है इसकी मात्रा बढ़ेगी वैसे जो है बल्ब की ग्लोनेस जो है ये बढ़ जाएगी, यानी इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो ठीक इसी तरह से अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन का यूज करें जो कि बेस है, उस बेस में भी जो है यह इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा, और साथ ही साथ जो है डाइल्यूट NaOH यानी NaOH सोल्यूशन का प्रयोग करते हैं तो उसमें भी जो है आयन प्रेजेंट होते हैं और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती यानी इसमें प्रवाहित होती है। एक्टिविटी 2.8, इसमें जो सैंपल लिए गए हैं डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4, ग्लूकोज अल्कोहल, डाइल्यूट NaOH और डाइल्यूट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। डाइल्यूट HCl, इसके डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन में क्या है, आपने देखा कि जो है बल्ब जो है ग्लो किया कि नहीं, तो इस स्थिति में आपने देखा कि बल्ब जो है ग्लो किया। H2SO4 सोल्यूशन में इसमें भी बल्ब जो है ग्लो हो गया, लेकिन ग्लूकोज के सोल्यूशन में यह जो है ग्लो नहीं, यानी आप इसको कह सकते हैं नॉट ग्लो। अल्कोहल सोल्यूशन में इसमें भी जो है ये ग्लो नहीं, NaOH में इसमें ग्लो हो गया, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में भी जो है ये ग्लो हो गया। ऐसा क्यों होगा? डाइल्यूट HCl और H2SO4 जो एसिड है, तो एसिड यानी HCl जो है यह H और Cl आयन में ब्रेक होते हैं। इसका मतलब है कि इसमें जो है आयंस प्रेजेंट हो गए। ठीक इसी तरह से H2SO4 में ये 2H आयन और SO4 आयन
ये दोनों प्रेजेंट हो गए, यानी इसमें भी आयन प्रेजेंट हो गए। इस आयन यानी फ्री आयन के प्रेजेंट होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो जाती है, प्रोवाइड हो जाती है, जिससे जो है बल्ब जो है ग्लो कर गया। लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल में, तो ग्लूकोज के केस में होता है कि ये तो जो है ना एसिड है और न ही जो है यह बेस, न एसिड है ना बेस, और इसकी वजह से जो है इसमें कोई फ्री आयंस नहीं होते, फ्री आयंस जो है इसमें नहीं होते, कोई फ्री आयन। अल्कोहल, अल्कोहल जो है ये वाटर से जब रिएक्ट करता है तो कंबाइन करके जो है कुछ कंपोजिशन मतलब उसके साथ वो ऐड हो जाता है, इसलिए यह भी जो है फ्री आयन नहीं देता, डज नॉट गिव फ्री आयंस। इस वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है और जो बल्ब है वह ग्लो नहीं होता। इसी तरह से बेसिक सोल्यूशन जो NaOH है, तो NaOH भी ब्रेक हो करके Na+ और OH- कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में Ca++ और OH-। इस तरह से यह भी जो है इसमें दो आयनों में जो है ये ब्रेक हो गया। इसका मतलब है कि इसमें जो है फ्री आयंस प्रेजेंट, फ्री आयंस इसमें प्रेजेंट, और जब फ्री आयन प्रेजेंट है इसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास कर जाती है और जो बल्ब है बल्ब ग्लो कर जाता है। तो इस एक्टिविटी में यही दिखाया गया है कि जिसमें जिस सॉल्यूशन में फ्री आयंस थ्री रेडिकल्स यहाँ पर मौजूद होंगे उसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी पास करेगी, और जिसमें प्रेजेंट फ्री आयन नहीं होंगे उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी।